आपको चार चक्कर लगाने के। जैसे सर कुछ बच्चों से पैरा का फॉर्म भरवाया गया था, हाँ। मैं ही पैरा का फॉर्म फिल करके आया था, तो पैरा का प्रोसीजर होगा ट्रेनिंग से लेकर आगे तक का? देखो बेटा, पैरा का क्या होता है कि जो बच्चे यहाँ से सिलेक्ट होकर के जाते हैं, तो पहले ये होता था कि जब चलते ट्रेनिंग में उनका जो एक्सेलेंट परफॉर्मेंस होता था फिजिकल एक्टिविटी वाले, उनका पैरा का फॉर्म भरवाया जाता था और फिर पैरा अरेंजमेंट से आते थे और उनको फिर पैरा वाले लेकर के चले जाते थे। तो वहाँ पे भी आपका एक टेस्ट होगा, आपका बेसिक और एडवांस। अगर आपने जो आपका बेसिक चीज़ों में आप क्वालिफाई करते हैं, उनके इवेंट क्वालिफाई करते हैं, तो वो आगे आपको परमानेंट के लिए कन्वर्ट करते हैं। अगर आप बेसिक में आप बाहर हो जाते हैं, तो अगर आप यूनिट से जाते हैं तो यूनिट से बाहर आपको यूनिट में भेज देंगे। अगर आप सेंटर से जाते हो तो आपको कहां दोबारा भेज देंगे? सेंटर में भेज देंगे। अगर आपने यहीं पे भरा है तो हो सके तो आपका एक नॉर्मली टेस्ट सेंटर में जाते ही पैरा वाले आपके वेट कर रहे होंगे और आपका एक टेस्ट लेंगे, नहीं तो आपके चलते ट्रेनिंग में आपका टेस्ट होगा, आपके परफॉर्मेंस को देखा जाएगा और फिर आपको पैरा अरेंजमेंट में भेज दिया जाएगा। पैरा अरेंजमेंट में भी ओनली जो सेफ वन और फिट फॉर मेडिकल में होते हैं वही बच्चे, और जो फिजिकल में फिट होते वही रहते हैं, नहीं तो जिस सेंटर से उठाया जाता है उनको दोबारा या जिस यूनिट से उनको उठाया जाता है उनको कैटेगरी हो जाने पे या फिर कोई पॉइंट हो जाने पे शरीर के अंदर मेडिकल एक्टिविटी में नॉट क्वालिफाई कर दिया जाता, तो उनको कहां भेज दिया जाता? उनको फिर रेजिमेंट या फिर सेंटर में। तो अगर आपको वहां पे जाना है तो आपके हर चीज एक्सेलेंट परफॉर्मेंस होना चाहिए, तभी आप जाकर के पैरा कमांडो या फिर पैरा रेजिमेंट में जा सकते हैं। क्लियर बेटा? ठीक है। तो जो भी बच्चे हैं जो आर्मी से सिलेक्ट हुए हैं अभी, वो मेरी बातों को प्रॉपर ध्यान दें और इस चीज का ध्यान रखें जो मैंने बताया। कोई भी और दिक्कत परेशानी होता तो आप मेरी नीचे जो कमेंट्स हैं उसमें आप पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरी अकेडमी के ऑफिस में, आप चाहे मेरी अकेडमी को हो या ना हो, मैं आपको प्रॉपर गाइडलाइन करूंगा। और प्लीज अभी से सिलेक्शन से लेकर के जब तक आपका कसम परेड नहीं हो जाता, आप एक सिविलियन है। इस बीच में कभी भी आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो सकता है अगर आप अपने आप को ध्यान रख करके नहीं चलेंगे। तो आप सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में रिजल्ट में आए हैं, आप अभी देश के सोल्जर नहीं बने। अगर देश के सोल्जर बनना है तो आपको अपने परिवार, आपको अपने आप को और आपको अपने जो वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में जो भी एक्टिविटी होता है उन सबको ध्यान रख करके चलना पड़ेगा। ठीक है। जय हिंद।